जब भी बिना किसी मेहनत के अचानक हम पर पैसों की बरसात हो जाए तो हम कहते हैं ना कि मेरी तो लॉटरी लग गई। ऐसी ही लॉटरी कंपनियों की भी लगती है जब उन्हें तेजी से बदलते आर्थिक हालात की वजह से जबरदस्त मुनाफा होता है। लेकिन यही एंट्री होती है विंडफॉल टैक्स की, जब इस अचानक बढ़े मुनाफे पर सरकार टैक्स वसूली के लिए सामने आती है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या होता है विंडफॉल टैक्स, कब लगता है और क्यों लगता है। विंडफॉल टैक्स में पहले विंडफॉल को समझते हैं। अंग्रेजी के शब्द विंडफॉल का मतलब है ऐसा मुनाफा जिसकी उम्मीद ही ना हो। कई बार ऐसा होता है कि दुनिया का आर्थिक घटनाक्रम तेजी से बदलता है और उसमें कुछ कंपनियों को उम्मीद से कहीं ज्यादा बंपर मुनाफा हो जाता है। अब रशिया यूक्रेन के युद्ध को ही ले लीजिए। युद्ध हुआ तो कई देशों ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए, दुनिया भर में ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई। नतीजा ये हुआ कि तेल की कीमतों में आग लग गई। कच्चा तेल करीब $140 के स्तर तक जा पहुंचा, जो 14 साल का उच्चतम स्तर है। इसका डोमिनो इफेक्ट ये भी हुआ कि भारतीय कंपनियां जो तेल एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें अचानक भारी मुनाफा होने लगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। ये सब इसलिए भी क्योंकि मित्र देश रशिया से भारत का तेल आयात कई गुना बढ़ गया। भारत को कच्चा तेल सस्ता तो मिला, लेकिन हमारी रिफाइनिंग कंपनियों ने उसे पेट्रोल, डीजल और ATF में बदलकर एक्सपोर्ट के जरिए तगड़ा मुनाफा कमाया। अब यहाँ आती है विंडफॉल टैक्स की बारी। सरकार इस मुनाफे पर टैक्स लगा देती है। ये उन सामान्य टैक्स के अतिरिक्त होता है जो कंपनियां पहले ही चुका रही होती हैं। इसके कई मकसद होते हैं। सरकार इस कमाई में एक हिस्सा चाहती है जिसे जनता की भलाई के लिए खर्च किया जा सके। ये खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह चुकी हैं। सरकार एक्सपोर्ट्स को कुछ हद तक कंट्रोल करना चाहती है ताकि घरेलू आपूर्ति में दिक्कत ना आए। इसके अलावा टैक्स के पैसे से सरकार को चालू खाता घाटा कम करने में भी मदद मिलती है। टैक्स की इस बढ़ोतरी का देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी की रोजमर्रा के कारोबार की बजाय अचानक हुए मुनाफे पर लगने वाला टैक्स है। सरकार ने 1 जुलाई 2022 को पेट्रोल और ATF के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगाया था। विंडफॉल टैक्स की दरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते आर्थिक हालात के हिसाब से बदलती रहती हैं। हर 15 दिन में सरकार इसका रिव्यू करती है। उम्मीद है आपको विंडफॉल टैक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये मामला आपके और हमारे जेब का नहीं, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की एक्स्ट्रा कमाई पर लगे टैक्स का है। चलिए अब इसे दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए और BQ Prime हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।